हे गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोवियल हॉलीडे में। और आज हम घूमने वाले हैं विजय मंडल। बेसिकली दिल्ली में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लाइक लाल किला और कुतुब मीनार, इंडिया गेट और हुमायूं टॉम्ब, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस आपने दिल्ली में विजिट किया होगा और जाना होगा। बट आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो दिल्ली का ऐसा ही प्लेस है जिसे आपने ना तो देखा होगा और ना ही आपने नाम सुना होगा। तो क्या आप जानते हैं कि दिल्ली की जो चौथी सिटी थी वो है जहाँपनाह। तो जहाँपनाह जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था, बट आज उसके सिर्फ रूइंस पड़े हुए हैं, खंडहर पड़े हुए हैं जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ये है विजय मंडल। तो जो जहाँपनाह जिसे जहाँपनाह सिटी है, जो दिल्ली की चौथी सिटी है जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था, उसमें ऐसे बहुत सारी सिटी में ऐसे बहुत सारे हिडन प्लेसेस हैं जिनके बारे में ना तो किसी ने देखा होगा और ना ही उनके बारे में कहीं पढ़ा होगा और जाना होगा। बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। तो आज हम इस सीरीज़ में जानेंगे और इस जो सीरीज़ होने वाली है, जो 3-4 वीडियो की सीरीज़ होगी, उसमें जहाँपनाह से रिलेटेड जितने भी प्लेसेस हैं उन सभी के बारे में हम इन वीडियोस में जानेंगे। सभी की अलग अलग वीडियोस होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये जो वीडियो है, जो सीरीज़ है, जो जहाँपनाह की हिस्ट्री है और जो भी प्लेसेस हैं उन सभी के बारे में आपको सही जानकारी मिल सके और आप जान सकें कि दिल्ली में ऐसे भी प्लेसेस हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं हैं। तो दिल्ली की जो चौथी सिटी है जहाँपनाह, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो जहाँपनाह सिटी में जो पहला प्लेस है वो है विजय मंडल। तो आज जो आप देख रहे हैं ये विजय मंडल के बारे में वीडियो होने वाली है और इस विजय मंडल के बारे में मैं पूरा आपको इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये विजय मंडल है, विजय मंडल के रूइंस हैं सारे। तो इस वीडियो में चलो एक्सप्लोर करते हैं विजय मंडल को। गाइस, ये जो देख रहे हैं ये प्लेस है विजय मंडल का, और ये जो सामने आप देख रहे हैं कि ये है वो एंट्री गेट जहाँ से अभी हमने एंट्री की है। और जैसे एंट्री करते हुए हम यहाँ आते हैं तो सबसे पहले जो प्लेस और जो मॉन्यूमेंट हमें पड़ता है, ये विजय मंडल के बाहर एक ऊँचाई पर बना हुआ एक ऑक्टागोनल शेप पे टॉम तरीके है। तो चलो इसे देखते हैं अंदर से और थोड़ा सा और इसे अंदर से जानते हैं। जैसे हमने एंट्री कर ली है, ये जो ऑक्टागोनल शेप पे जो टॉम बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि जैसे आप एंट्री करते हैं विजय मंडल पे तो ये टॉम को बनाया गया है और ये ऑक्टागोनल शेप पे बनाया गया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वो टॉम्ब है, बट इसके रूइंस पड़े हुए हैं सारा। इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा कुछ मतलब ASI द्वारा कोई संरक्षित स्मारक नहीं है, तो इसकी जो हालत देख रहे हैं आप कैसी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ पूरा क्या हालत हो रखी है। जो रूइंस हैं बेसिकली ये कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं हैं, ये जो हमारी दिल्ली थी चौथी सिटी उसके सारे रूइंस पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप सारा क्या हालत हो रखी है। गाइस, अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं विजय मंडल का जो मेन प्रेमिसेस है, जो ये आप देख रहे हैं सामने जो विजय मंडल का मेन प्रेमिसेस है, तो हम इसे एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये काफ़ी अनहिडन प्लेस है। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की जो बात करें, वो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में करवाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा फ्लाईवे जोन पर पड़ता है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्लेन्स की आवाज़ आ रही होगी आपकी। तो यहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं और ये सामने देख रहे हैं कि ये वो प्लेस है जहाँ से हम और थोड़ा देख पाएंगे पास से विजय मंडल को। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो विजय मंडल का जो निर्माण है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था 14वीं शताब्दी में। तो जो ये जहाँपनाह है वो जहाँपनाह एक चौथी सिटी थी और जिसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, जो गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे तो उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये आप देख सकते हैं कि अब हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं विजय मंडल के। ये काफ़ी ऊंचा है, तो यहाँ से तो काफ़ी कोई रास्ता दिख नहीं रहा है कि हम यहाँ से चढ़ पाएँ। तो अभी इन सीढ़ियों से होते हुए और अंदर प्रवेश करते हैं इसे और देखते हैं कि इधर और क्या देखने के लिए है। ये छोटा सा गेट है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो अभी चलो और देखते हैं, शायद ये ऊपर जो बना हुआ है उधर चढ़ने का रास्ता हो सकता है। तो
ओह काफी इंटरेस्टिंग है। तो शायद ये ऊपर चढ़ने का रास्ता है, तो और चढ़ते हैं। तो गाइज़ अभी हम विजय मंडल के शायद सेकंड या थर्ड सेकंड फ्लोर पे हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये वो सिटी है। ये आप देख सकते हैं ये दिल्ली के जो आईआईटी प्लेसेस है वहाँ पर लोकल एरिया है। और यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे आ गए। यहाँ से जो ऑक्टोगोनल शेप हमने देखी थी वो यहाँ से ऐसी दिख रही है। और ये आप जो नीचे अभी देख सकेंगे ये वो रास्ता है जहाँ से अभी हमने एंट्री की थी, और इन सीढ़ियों से होते हुए अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी एक दो फ्लोर शायद और ऊपर हैं, तो चलिए और चढ़ते हैं। ओ तो गाइज ये देख सकते हैं, ये है विजय मंडल का टॉप फ्लोर, और ये काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। तो आई थिंक हम फाइनली पहुंच गए हैं, और ये सच में काफ़ी प्यारा व्यू यहाँ से मिल रहा है दिल्ली का। यहाँ से आप देखेंगे और ये विजय मंडल का जो प्राइमसेस है ये है पूरा, और ये है मेन जो स्तंभ है विजय मंडल का, ये वो है। तो अभी और भी काफ़ी सारे रास्ते हैं इधर जाने के लिए। ओ ऊपर से कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप दिल्ली को देख सकते हैं। आई थिंक ये मस्ट विजिट प्लेस है, बट थोड़ा सा अननोन प्लेस है, इसलिए ज़्यादा विजिटर्स यहाँ पर आपको दिखेंगे नहीं। तो जब भी आप आएँ तो बेटर है कि दो तीन लोग एक साथ में आएँ, क्योंकि यहाँ पर लोकल लोग ज़्यादा घूमते रहते हैं। तो बेटर है कि आप अकेले ना आएँ और दो तीन लोग साथ में आएँ, और फ्रेंड्स के साथ ही आएँ तो बेटर रहेगा। गैस अभी हम विजय मंडल में यहाँ पर थे, जो सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं कि ये फ्लोर था, फिर इसके नीचे आप यहाँ से देखेंगे ये काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। और अभी हम शायद फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे हैं। तो यहाँ से जो आप देख रहे हैं इस गेट से हमने अभी एंट्री की थी, फिर सेम गेट से एग्ज़िट करते हुए ये आप देख सकते हैं कि इधर से जो रास्ता आता है, यहाँ से अभी हम जो एक्सप्लोर करने वाले हैं ये जो बाकी जो रूम्स पड़ा हुआ है विजय मंडल का जो नीचे फर्स्ट फ्लोर पे है, तो यहाँ से अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कितना पूरा मतलब टूटा हुआ एरिया है, तो सारा ये काफ़ी मोटे पत्थर और बड़े पत्थरों को कैसे तराश करके और कैसी दीवारें बनाई गई थी, आप देख सकते हैं इनकी मोटाई कितनी ज़्यादा है। और ये पूरा बाहर काफ़ी जंगल टाइप में बना हुआ है। तो चलो अंदर देखते हैं कि ये जो रियूम्स पड़ा हुआ है, तो इस विजय मंडल के अंदर जो और चीज़ें बनाई गई हैं वो क्या क्या हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक खंडहर टाइप में है, और इसका संरक्षण का काम अब स्टार्ट हुआ है। आपने देखा होगा कि ऊपर से कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे, तो इन सभी को दोबारा से पिलर्स को अब सारा रिम्स को दोबारा से संरक्षित करके सभी को दोबारा से बनाने का काम स्टार्ट कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये सारा जो प्रेमिसेस है ये विजय मंडल के ऊपर से जो सेकंड फ्लोर है ये सारा कुछ है, तो सारा रिम्स पड़ा हुआ है। तो चलिए अंदर देखते हैं कि अंदर और क्या देखने के लिए है। ये आप देख सकते हैं कि नए पिलर सभी बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो आई थिंक कि काम स्टार्ट हो गया है सारा, इन सभी को संरक्षित करने का। तो जल्दी ये एक बेस्ट प्लेस बनने वाला है जहाँ पर फैमिलीज़ भी आना स्टार्ट हो जाएंगी, बट अभी तो सिर्फ यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ ही लोग आते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये क्या हाल हो रखा है इधर, ये पूरा देख सकते हैं कि ये पूरा एक हॉल तरीके जो अंदर बैठने के लिए बेसिकली बैठने का एक एरिया था, जो उसी प्राइमसेस के अंदर ही बनाया गया है। तो ये काफ़ी मतलब पूरा टूट गया है, कुछ ही पिलर्स बचे हुए हैं और ये पूरी छत इनकी डैमेज है। तो यहाँ पर बैठने के लिए आई थिंक यूज़ किया जाता रहा होगा, कि यहाँ पर एक जो असेंबली हॉल है ये बेसिकली असेंबली हॉल लगता है, कि जहाँ से
यहाँ पर मेन जो एरिया है जहाँ पर बैठने के लिए है, और ये पूरा सामने जो खुला क्षेत्र है ये आप देख सकते हैं, ये पूरा खुला वो एरिया है। और सामने मोटे मोटे पिलर्स, तो इन्हें दोबारा से बनाने का काम स्टार्ट कर दिया गया है। गाइज ये सारा जो प्रेमिसेस आप देख रहे हैं, ये जैसा कि मैंने बताया कि ये सारा पूरा टूटा हुआ है। जो असेंबली हॉल है बेसिकली विजय मंडल का, ये असेंबली हॉल के रूप में आई थिंक यूज़ किया जा रहा होगा। और सामने ये पूरा रूइंस पड़ा हुआ है, तो अभी इस पर संरक्षण का काम स्टार्ट हो गया, तो आई थिंक जल्दी ही ये विजिटर्स के लिए ओपन हो जाएगा और थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगेगा, ताकि विजिटर्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आ सकते हैं। अभी ये बेसिकली लोकल्स के लिए यूज होता है, कि लोकल्स जो यहाँ पर आसपास जो आपने घर देखा होगा वो इसे यहाँ पर अपने फ़न के लिए यूज़ करते हैं, कि अपना यहाँ पर आए बैठे और इन्जॉय किया। वीडियो आपने देखा होगा कि कुछ फैमिलीज थी वो अपना धूप सेंक रही थी, तो ऐसे ही यूज़ होता है। बट अब जल्दी ही शायद इसे संरक्षण का काम स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर थोड़ा और अच्छा लगने लगेगा। तो गाइज ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा आपने अगर कुछ नया जाना हो तो अपने फीडबैक दे दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आगे ये जो जहाँ पनाह जो चौथी सिटी है जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बसाई गई है, तो उसके बारे में बहुत मतलब 5-6 प्लेसेस हैं। खिड़की फोर्ट हो गया, और सीरी फोर्ट हो गया, और पिथौरा रायगढ़ किले का किला हो गया, तुगलकाबाद फोर्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे अननोन प्लेसेस हैं जिनके बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे, और उन सभी की वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोग भी इन प्लेसेस को जान सकें कि ऐसे भी प्लेसेस दिल्ली में हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और क्योंकि इससे आई थिंक आपको यूज़फुल कंटेंट ऐसे ही मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन में।